एक्चुअली मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि मोनाली ने अपनी पहली ही फिल्म में ऐसा एक रोल निभाया है. आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल है. बट देन व्हेन यू हैव समबडी लाइक नागेश डायरेक्टिंग यू, गाइडिंग यू, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट डेब्यूज दैट एनीबडी कैन हैव. मैं एक 14 साल की लड़की प्ले कर रही हूँ. मैं 14 साल हो नहीं, काफ़ी बड़ी हूँ उसमें. तो बेसिकली एक नेचुरल दिखना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. आई डिडेंट वॉन्ट टू हैम द कैरेक्टर एंड आई डिडेंट वॉन्ट टू लुक स्टूपिड प्लेइंग अ 14 ईयर ओल्ड. सो दैट वॉज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग. बिसाइड्स द फैक्ट के हम मुझे आइडिया ही नहीं कि एक 14 साल की लड़की के साथ अगर ऐसे घटनाएं घटेगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगी. सो दैट वॉज द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क. और नागेश सर डिडेंट वॉन्ट मी टू मीट एनी प्रोस्टिट्यूट और एनी यू नो सेक्स वर्कर और एनी चाइल्ड फॉर दैट मैटर, चाइल्ड सेक्स वर्कर. तो स्पेशली जो लक्ष्मी है रियल लाइफ की, उसके साथ आई नेवर हैड एनी इंटरेक्शन. सो मेरे लिए कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं था कि मैं कोई रेफरेंस कोई एक्टर या हमारे लेजेंडरी कोई एक्ट्रेस को देख के वो रेफरेंस लेके मैं करूँ इन एक्ट. सो दैट्स वाई इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. बट अगेन जब नागेश कुकुनूर जैसे डायरेक्टर हो आपके साथ, आई थिंक इट्स लाइफ बिकम्स ईजियर एज एन एक्टर. अ स्टोरी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हर एक सिटीजन को ये देखना चाहिए अवेयरनेस के लिए. मोर देन अवेयरनेस, जस्ट टू गेट इंस्पायर्ड एंड थोड़ा सा यू नो रिस्पॉन्सिबल फील करने के लिए कि हमें या वी आर सिटीजन्स, वी नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स आवर फेलो सिटीजन्स. सो इट इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टोरी, आई विल रिपीट माई सेल्फ. सो फॉर दैट, अगर नेशन विल वॉच दिस फिल्म, मोर पीपल विल वॉच, आई थिंक दैट इज गोना बी द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर दिस फिल्म. घर कांगना आन है याद रे, वो घर कांगना आन है याद रे. ओ काहे तो सिसके मन आ घर चले हम, काहे तो सिसके मन आ घर चले. मैं जब फिल्में बनाता हूँ तो मुझे एक्चुअली स्टोरी पहले पसंद होना चाहिए, उसके बाद मैं मैसेज के बारे में सोचता हूँ. मगर ये एक ऐसी कहानी है जो देश में आजकल जो भी हो रहा है उसके साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, द वायलेंस अगेंस्ट वेमेन, यू नो ऑल दोज इश्यूज. तो मैं सोचता हूँ मार्च 21st होपफुली लोग इसे देखने आएंगे तो कम से कम उन्हें पता तो चलेगा कि एक लड़की के साथ जब ट्रैफिकिंग में उसको ढकेला जाता है तो उसके साथ क्या होता है. एंड ये एक बहुत ही इनह्यूमन चीज़ है, पर जब हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, नंबर्स देखते हैं, हमको कुछ पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली क्या होता है. जब एक लड़की के साथ आप ये जर्नी लेंगे तो आपको एक अंदाज आएगा एंड होपफुली मार्च 21st आपको पता चलेगा. इसका टैगलाइन है द अल्टीमेट स्टोरी ऑफ हीरोइज्म. इसके लिए क्योंकि जब लोग इस टॉपिक के बारे में सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली उनको लगता है यार ये कुछ हैवी फिल्म होगा. इसमें हार्ड हिटिंग एलिमेंट ज़रूर है मगर एंड में ये एक हीरोइज्म की स्टोरी है और ये हम पब्लिक को क्लियरली पहले ही बताना चाहते हैं.